नमस्ते। आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत मिस्टर प्रणव जैन, जिन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रैंक 12 प्राप्त की है और फॉरेस्ट सर्विस में उत्तीर्ण हुए हैं। सो नमस्ते प्रणव, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। नमस्ते। सो प्रणव, जो फर्स्ट क्वेश्चन कैंडिडेट्स के माइंड में आता है वो ये है कि फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स कैसे क्लियर किया जाए, क्योंकि देखा जाता है फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स का कट ऑफ जो कहीं ना कहीं है 12 से 15 नंबर ज्यादा जाता है एज कम्पेयर टू सिविल। तो आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी टू क्लियर दिस कट ऑफ? ये बात तो है कि फॉरेस्ट अगर एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो इसमें सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक है वो प्रीलिम्स ही है। अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो फिर एग्जाम क्लियर करने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कैसे ये 12-15 मार्क्स एक्स्ट्रा आएंगे। तो सबसे तीन चार स्टेप्स की स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले तो हमको यूपीएससी के पास ही जाना है। एक तो सिलेबस का कोई भी पोर्शन हमको छोड़ना नहीं है, चाहे वो हिस्ट्री हो। हिस्ट्री में भी मेडिवल थोड़ा सा देख लेना चाहिए, आर्ट एंड कल्चर को बहुत छोड़ना नहीं चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ही छोड़ दें। दूसरा ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी जो भी हैं प्रीलिम्स के, वो बार 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 देखने चाहिए, उससे बहुत गेस वर्क इम्प्रूव हो जाता है। तीसरा ये है कि जो भी अपने नोट्स हैं उनको हमेशा कंसोलिडेट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज उठा के पढ़ लिए। तो जैसे कि अगर हमने स्पेक्ट्रम पढ़ी तो फिर बार बार हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम ही पढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी भी बिपिन चंद्रा उठा ली, कभी स्पेक्ट्रम उठा ली। और उसके बाद ये है कि जो भी हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज में हमको क्या करना चाहिए कि एक बारी अगर टेस्ट पेपर कर लिया तो हमको पूरा का पूरा टेस्ट पेपर एनालिसिस करना चाहिए हमेशा, चाहे एक दो घंटे लगे उसमें, लेकिन उसके एक पेज में नोट्स बना लेने चाहिए कि वो पूरा का पूरा टेस्ट एक बारी में कवर, एक 5-10 मिनट में पूरा का पूरा टेस्ट पेपर रिवाइज कर सकें। और एग्जाम में भी हमको हमेशा ऐसा नहीं कि कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, हमको ज़्यादा क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं कि 60-70 क्वेश्चंस में हो जाएगा फॉरेस्ट, नहीं हो पाएगा, हमको थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा, पर वो डिपेंडिंग अपॉन द प्रिपरेशन ही हमको करना चाहिए। ओके, वेरी गुड स्ट्रैटेजी। तो प्रणव, जो दूसरा क्वेश्चन कैंडिडेट्स को मन में आता है कि फॉरेस्ट में दो ऑप्शनल चुनने रहते हैं और जनरली जो ह्यूमैनिटीज वाले होते हैं उनके पास वो ऑप्शनल अवेलेबल नहीं होते हैं फॉरेस्ट सर्विसेज में, तो ये कैसे, मतलब कि दोनों ऑप्शनल कैसे चुनने हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी रहती है? ऑप्शनल का ऐसा है कि सिविल से ये फॉरेस्ट सर्विस जो है वो टेक्निकल एग्जाम है, तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से इस एस्पेक्ट में डिफरेंट है। सिविल सर्विसेज में क्या है कि जनरल स्टडीज का वेटेज ऑप्शनल से ज्यादा है, लेकिन इसमें क्या है कि टोटल 800 मार्क्स का ऑप्शनल है, दो ऑप्शनल 400 मार्क्स ईच, और 300 मार्क्स का जनरल स्टडीज है। तो इसमें ऑप्शनल चूज करना बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि दो तीन पैरामीटर्स है जिसपे हम ऑप्शनल चूज करते हैं। पहला ये कि उसमें रिसेंटली मार्क्स कितने आ रहे हैं, दूसरा ये कि उसका सोर्स मटेरियल अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, और तीसरा ये कि वो जो हमको टाइम मिले उसमें कवर हो पाएगा कि नहीं। तो ये दो तीन आस्पेक्ट्स हैं, इसी पे हमको फोकस करना है। तो मेरे ऑप्शनल क्या थे, जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री। जो फॉरेस्ट्री एस्पिरेंट्स होते हैं मोस्टली फॉरेस्ट्री तो एक ऑप्शनल चूज कर ही लेते हैं, क्योंकि एक तो ये इसका एक ही बुक में मणिकंदन एंड प्रभु करके एक बुक आती है, उसमें सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाता है, दूसरा इसको उतने टाइम में कवर करना भी इजी है, और तीसरा पोस्ट सिलेक्शन भी बहुत काम आते हैं, इंटरव्यू में भी काम आएगा और सर्विस में भी काम आता है। जिनका ये टेक्निकल ऑप्शनल है उनके लिए तो बस एक ही ऑप्शनल चूज करना रहता है, लेकिन जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं उनको हमको क्या करना है कि दो एक और ऑप्शनल चूज करना पड़ेगा। तो हम जो जनरली अभी ऑप्शनल चल रहे हैं वो जियोलॉजी हो गया या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, तो इस टाइप के ऑप्शनल चूज करने चाहिए। फॉरेस्ट सर्विस में कुछ कुछ हम ऑप्शनल कॉम्बिनेशन चूज नहीं कर सकते, जैसे एग्रीकल्चर प्लस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हम चूज नहीं कर सकते। तो ऐसे देख के हमको ऐसे इस टाइप के ऑप्शनल लेने चाहिए जो स्कोर भी कर सके और जो मैनेज भी हो सके टाइम पे। तो प्रणव, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो ये है कि फॉरेस्ट सर्विस मेंस और सिविल सर्विस मेंस के बीच में टाइम काफी कम मिलता है, जनरली 1 से 1.5 महीना ही मिलता है, तो इस टाइम को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करें, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही इस टाइम के बीच में, तो आपकी क्या टिप्स रहेंगी कैंडिडेट्स के लिए? ये बात तो है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बाद बहुत ही कम टाइम मिलता है, और ऊपर से एग्जामिनेशन देने के सिविल सर्विस के बाद बहुत फटीग भी आ जाता है, और फिर दो नए ऑप्शनल पढ़ने होते हैं।
तो बहुत ही एक तरीके से ये बॉक डाउन करता है कि नहीं करने का मन है। लेकिन यही बात है कि अगर ये टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर दिया तो फिर काफी चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन के। तो क्या करना चाहिए कि इसमें एक तो ये है कि जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो 90:10 का रेशियो रहना चाहिए। जो 90% टाइम है वो हमको देना चाहिए ऑप्शनल्स को और 10% है वो जीएस प्लस इंग्लिश को। और ये जो 90% है तो मेरे ऑप्शनल जियोलॉजी और फॉरेस्ट्री थे, तो इस 90% टाइम को मैंने 60% जियोलॉजी को दिया था क्योंकि उसमें याद काफी करना था, और 40% टाइम जो है वो हमने फॉरेस्ट्री को दिया था। दूसरे इसमें क्वेश्चन ये होता है कि इतना पढ़ना है तो फिर आंसर राइटिंग कब करें? तो आंसर राइटिंग क्या है कि इतना फोकस करना नहीं चाहिए। जो सिविल सर्विसेज मेन से लिख के है उसको मोर और लेस पता ही होता है आंसर का स्ट्रक्चर वगैरह कैसे करना होता है। तो ज्यादा से ज्यादा याद करने पे और मल्टीपल रिविजन्स पे फोकस होना चाहिए। तो मैंने तो ऐसे ही किया था, यही स्ट्रैटेजी मोस्टली दूसरे लोग भी फॉलो करते हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। तो प्रणव, आपने एक और स्ट्रैटेजी बताई थी, वो ये होती है कि ग्रुप में, मतलब आपका भी एक ग्रुप था कि आप लोग नोट्स एक्सचेंज करते थे, तो इसके बारे में थोड़ा इंसाइट दीजिए कि काफी लोग बोलते हैं कि फॉरेस्ट सर्विसेज में क्या है कि एक कॉमन ग्रुप बनाइए जिनका सेम ऑप्शनल होता है, ताकि हाँ कुछ चैप्टर वो कवर कर ले, तो ये मतलब कितना बेनिफिशियल होता है आपके हिसाब से? ये फॉरेस्ट में तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है क्योंकि ऐसा हो जाता है कि डिवीजन ऑफ लेबर इसमें हो पाता है। आप कुछ टॉपिक्स पढ़ लो अच्छे से और आप किसी को पढ़ा दो तो आपका याद भी हो जाएगा, और इसी तरीके से बाकी 3-4 लोग का ग्रुप ऑप्टिमल नंबर रहता है। और इसमें काफी रिविजन्स भी जल्दी हो पाते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी बेटर डेवलप होती है। तो अगर पॉसिबल होता है तो ग्रुप स्टडी ऑलवेज मतलब अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। तो प्रणव, एक जो और क्वेश्चन आता है वो ये कि मतलब आपने कोई हॉबी अडॉप्ट की थी, मतलब सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विस का प्रिपरेशन करते समय, कि सिर्फ मतलब पढ़ाई वैसे पे ही फोकस किया था? तो मोस्टली फोकस पढ़ाई पे ही करना होता है, लेकिन मैं कुछ टाइम निकाल के जॉगिंग पे चले जाता था और कुछ टाइम मेडिटेशन कर लेता था। ये है कि बस नॉर्मल स्टडी मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए कुछ भी कंस्ट्रक्टिव हॉबी बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो अगर कुछ कर सकते हैं तो करना ही चाहिए, लेकिन ये नहीं कि हॉबी हॉबी का प्रेशर भी आ जाता है कई बार इंटरव्यू में, हॉबी क्या लिखेंगे, इस चक्कर में हम कुछ फालतू ही चीज करने लगते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। जो भी आपको ठीक लगे वैसे ही करना चाहिए, अगर हॉबी है तो फॉलो करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस जबरदस्ती कुछ नहीं करना चाहिए, मेरा तो इसमें यही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो प्रणव, आपकी कोई पर्सनल एडवाइस जहां आपने कोई ठोकर खाई हो जो आप कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, मतलब कि कोई ऐसी एडवाइस जो आपको लगता है गोल्डन एडवाइस जो हर एस्पिरेंट देता है, एक ऐसी या दो ऐसी जो आपको लगता है? एक ये मिसकंसेप्शन या मिथ है कि कोचिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो मेरे को भी ऐसा ही लगता था, स्पेशली सिविल्स के लिए तो मैंने बहुत ही कोचिंग में ट्राई किया, लेकिन अल्टीमेटली मैंने रियलाइज करा कि गवर्नमेंट सोर्सेज जो है ना वो बहुत इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईपीजी पाठशाला था, वो गवर्नमेंट के मूक कोर्सेज हैं, उसमें तो जियोलॉजी का इतना एक्सटेंसिवली सिलेबस कवर्ड है, उसमें उसमें जो क्वेश्चंस मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उसके आंसर मिल जाते हैं। तो इस टाइप से उन सोर्सेज के पास भी जाना चाहिए जो ज्यादा क्रेडिबल है और ज्यादा लूसिड है समझने के लिए। ऐसा नहीं कि एनपीटीएल, सिर्फ कोचिंग, हाँ एनपीटेल हो एनपीटीएल भी हो गया, गया हाँ जैसे कि, इग्नू है, तो ये सब रिसोर्सेज भी रेफर करने चाहिए और इनमें भी काफी अच्छा कंटेंट मिल जाता है। ये सिर्फ कोचिंग से ही होगा ऐसा मिसकंसेप्शन छोड़ देना चाहिए। तो प्रणव, एक जो और क्वेश्चन था आपसे वो ये है कि फॉरेस्ट सर्विस को लेके पीपल के बारे में काफी लोगों को काफी मिसकंसेप्शन होता है कि ये क्या सर्विस है, कैसी सर्विस है। जनरली मतलब सिविल्स वाले काफी लोगों को पता भी नहीं होता है कि फॉरेस्ट सर्विस भी कुछ होता है, तो मतलब क्या होता है जनरली फॉरेस्ट सर्विस में, थोड़ा आप बैकग्राउंड बता सकते हैं उस सर्विस को लेके? सिविल फॉरेस्ट सर्विस क्या है कि एक नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक सर्विस है। पहले स्टेट सर्विस होती थी, लेकिन फिर 1966 में इसको ऑल इंडिया सर्विस बना दिया था। तो इसमें क्या है कि हमको काफी अलग अलग एस्पेक्ट्स पे काम करना होता है, जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, फिर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब है। और अभी धीरे धीरे स्कोप भी बढ़ रहे हैं, जैसे आईपीसीसी नेगोशिएशंस में फॉरेस्ट ऑफिसर्स जा रहे हैं, तो ये सब भी स्कोप एक्सपैंड कर रहे हैं धीरे धीरे। तो मतलब यही है, मिसकंसेप्शंस क्या रहते हैं, जैसे कि ये बहुत रहता है कि जंगल में ही रहना होता है फॉरेस्ट ऑफिसर्स को, तो ऐसा नहीं है। मतलब जो नेशनल पार्क में फील्ड डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए ऑब्वियसली उनको तो रहना पड़ता है, बट वो बहुत ही माइन्यूस्कूल नंबर है।
मोस्टली हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ही पोस्टेड होते हैं, जहाँ पे IAS IPS होते हैं वहीं पे हमारा भी ऑफिस होता है। हमको फील्ड विजिट ज्यादा करनी पड़ती है, बस वो बात अलग है। और दूसरा मिसकंसेप्शन ये भी है कि हमारा डोमेन सिर्फ फॉरेस्ट या एफॉरेस्टेशन में लिमिटेड है, ऐसा भी नहीं है। कहीं कहीं तो स्टेट्स में टूरिज्म टूरिज्म डिपार्टमेंट्स भी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ही हेड कर रहे हैं। तो इस टाइप से क्रॉस सेक्टर में भी जाना, इंटर सेक्टोरल डेप्यूटेशन बहुत इजीली अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये मिसकंसेप्शन हैं जो हैं अब धीरे धीरे खत्म होंगे। तो प्रणव, एक लास्ट सवाल जो बहुत लोगों को पूछना रहता है कि ट्रेनिंग कैसी चल रही है आपकी, क्या नया सीखा ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग में क्या होता है, मतलब कि थोड़ा इनसाइट्स दे दीजिए आप वैसा टाइप। ट्रेनिंग में बेसिकली वही क्लासरूम प्रोग्राम्स और टूर्स एंड अटैचमेंट्स, ये तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारे। तो क्लासरूम्स तो नॉर्मल होते ही हैं जैसे होते हैं, लेकिन टूर्स जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो टूर्स मतलब काफ़ी अच्छे, अभी कोविड की वजह से ऑब्वियसली थोड़ा ये शेड्यूल पूरा डिले हुआ है, लेकिन हम कॉर्बेट गए थे तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। बाकी फिजिकल ट्रेनिंग तो डेली मॉर्निंग शाम को गेम्स ये सब होता ही है। तो अकेडमिक्स में काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला, जैसे डिफरेंट डिफरेंट ट्री स्पीशीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, फिर एक एक टाइगर को एक लेपर्ड के पॉज कैसे डिफरेंशिएट करना है, तो इस टाइप के इंसाइट मिले। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक एस्पेक्ट है जो कल्चरल, यहाँ पे एक होमोजेनिटी बन जाती है। मतलब इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं लेकिन सबसे फ्रेंडशिप होती है। तो एक इंडिया को एक्सपीरियंस करने का छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो ये इतने कल्चर्स के थ्रू एक्सपोज होते हैं, तो वो सब भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। So, thank you very much, Pranav. We wish him a very best of luck for his future endeavors, and may he serve the nation to his bestest. So, thank you, Pranav. A very much thank you. थैंक यू थैंक यू।